अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू के पकौड़ों की रेसिपी, जिसके लिए हमने लिया है ये बेसन, एक प्याली भर कर ले लिया था हमने, ठीक है। ये हमने आलू दो अदद कटिंग कर लिया है अपने पास। हमने लिया है धनिया और ज़ीरा भून कर कूट लिया था इसको अच्छे से। हमने लिया है इसमें आधा चम्मच नमक और हसबे ज़रूरत आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा डाल दें बस, ठीक है बस। अब हम इसे अच्छे से जो है वो इसके बैटर को वो कर लेते हैं, ठीक है तैयार। ज़्यादा हमने पतला नहीं रखना इसके बैटर को, वरना कोट अच्छा नहीं होगा आलूओं पर, ठीक है। फिर हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो अब हम पकोड़े फ्राई करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हमने कढ़ाई में दे दिया था तेल, उसको हमने रख दिया था गरम पर। अपने आलू डालते हैं इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हमारे पकोड़े हो रहे हैं फ्राई, बस इसका गोल्डन कलर आता है तो फिर हम इसको उतारते हैं जी। तो हमारे पकोड़े हो चुके हैं बहुत अच्छे से फ्राई, अब हम इसको निकाल रहे हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं जी। तो आलू के पकोड़े की रेसिपी आपको बहुत पसंद है, आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।